गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन आर्ट क्लास। टुडे यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ एंड पेंट नेचर स्टडी ऑफ सनसेट लैंडस्केप पेंटिंग लाइक दिस। एक छोटा सा पहले हम ड्रॉ करते हैं कि मेरे माइंड में आज सनसेट बनाना है, हमें कुछ ऐसा लैंडस्केप करना है, क्योंकि नेचर पेंटिंग ऑलरेडी आप करते रहते हो, थोड़ा सा सनसेट पे हम आते हैं। तो सनसेट के लिए एक ड्रॉइंग जब हमें करना होगा तो उसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, पहले तो जो एक बेसिक लाइन होती है इसको आप डिवाइड करना होगा आपको, इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। इससे आपको डिवाइडेशन हो जाएगा कि ये पार्ट मेरा स्काई का है और ये पार्ट मेरा लैंड का है या वाटर का है, पूरा दिखाना है। तो ये मैंने डिवाइड किया इसको हॉरिजेंटल लाइन, यहीं पे हमें रिफ्लेक्शन एंड सनसेट का पूरा जो व्यू होगा, जो हमने विजुलाइज किया है, उस चीज़ को हमें कैसे इस पर ड्रॉ एंड पेंट करना है। तो लेट स्टार्ट, अब स्टार्ट करते हैं। पहला तो एक छोटा सा एक ड्राइंग समरी ले लेते हैं कि इसको हमें क्या बनाना। लाइक दिस, एक छोटा सा सन बनाना है अगर यहाँ पर, तो हमने एक सन बनाया। बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं ड्राइंग में, बेसिकली एक छोटा सा सन बनाया मैंने। एक दहा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो। एंड यहाँ पर एक ट्री बनाते हैं, इस थोड़ा सा डिस्टेंस है तो ट्री लाइक दिस। यहाँ पर एक बोट बनाते हैं, जो बीच वगैरह पे बोट होते हैं लाइक दिस। जो कि आपकी ड्राइंग, अब इसको पेंट कैसे करते हैं, तो हाउ टू ड्रॉ एंड पेंट। जब स्टार्ट करते हैं, फ्लैट ब्रश होना चाहिए आपके पास। अगर मे बी आपके पास ये पोस्टर कलर नहीं है या वाटर कलर नहीं है, तो आप पेंसिल से भी ये सीन को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम वाटर कलर से स्टार्ट करते हैं। वाटर कलर को कैसे यूज़ करते हैं, फ्लैट ब्रश को। पहले तो हम बेस पे वाटर लगा लेते हैं पूरे बेस पे, और एक कलर कॉन्सेप्ट वो आपका अपना होगा, आप किसी भी तरीके का लैंडस्केप आप पेंट कर सकते हो ड्रॉ करके, वो आपकी चॉइस है। देन येलो कलर लिया और पूरे सरफेस पे इसलिए मैं कर रहा हूं कि सेम इक्वल आना चाहिए वो चीजें। देन अगेन हम लेंगे येलो कलर एंड टॉप के ऊपर कसो वाइट के साथ मिक्स करते हुए, यूं इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से। आपके पास राउंड ब्रश से भी आप मिक्स कर सकते हो। अगेन टॉप, एंड अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, रिवर को बनाते हैं उसके लिए भी। अब इसमें क्या होगा, ये पार्ट मेरा येलो और ऑरेंज कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर भी होगा। ऑरेंज और व्हाइट का जो क्वांटिटी होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और व्हाइट क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो बेस में मैंने वाटर लगाई रखा है पहले से ही। तो पूरे को ओवरलैप करेंगे, बस नॉर्मली एक लाइन दिखनी चाहिए। ऑरेंज की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, रिफ्लेक्शन के लिए बस हम यूज करना है मुझे। एंड बोथ साइड कॉर्नर कॉर्नर में पहले आप पेंट लगाओगे ऑरेंज कलर, एंड सेंटर में व्हाइट कलर यूज करते हैं क्योंकि रिवर का पार्ट है ये, तो हमें यूज करना चाहिए।
इसमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी, मीन जो हम कलर को यूज कर रहे हैं उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होगी। आपको ये दिख रहा होगा थिक कलर में यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल सा आप देख रहे होंगे कि मैं एक ब्रश को यूं इस टेक्निक में थोड़ा सा होल्ड किया हूँ, तो इसका शेडो दे रहा हूँ बिकॉज क्योंकि ऊपर का जो सनसेट है मेरा उसका शेडो दे रहा हूँ। एंड माइनर सा थोड़ा सा डार्क रेड कलर भी यूज कर सकते हैं आप। देन मैंने ये यूज़ किया, इसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए मुझे रखना होगा 5-10 मिनट। अब हमें क्या करना है कि अब इस पर जो सन मैंने बना रखा था पहले से ही आउटलाइनिंग आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, ये इसकी भी विजिबल होगा, ड्राइंग भी दिख रही होगी आपको एक बोर्ड की रेफरेंस, उसको बस आउटर में हल्का सा प्रॉपर अच्छे से में लगाना है एंड सेंटर में व्हाइट कलर यूज करना है। बहुत अच्छे से आप ब्रश लेकर राउंड ब्रश व्हाइट कलर्स में आपको फिल करना है, व्हाइट कलर फिल करना है, बहुत इजीली तरीके से फिल हो जाएगा ये। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा मिक्स करना होगा, मिक्स का प्रोसेस कुछ नहीं, वाटर आपके बेस में होगा अगर ब्रश में तो आप इजीली मिक्स कर सकते हो, ऑलरेडी 3D इफेक्ट जो हम देते हैं 3D इफेक्ट आप भी दे सकते हो यू लाइक दिस। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद देन अगेन आप अबे व्हाइट कलर यूज करोगे दोबारा, जहां ये फिनिश होगा देन इसके बाद आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बेस करते हैं, क्योंकि ये दोनों डिफाइन नहीं हो रहा है कि कौन सा स्काई है कौन सा लैंड है, इसके लिए हमें थोड़ा सा डार्क कलर यूज करना होगा। तो हमें ब्राउन कलर एंड रेड कलर को यूज करते हुए एक बॉर्डर लाइन जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन बना रखा था पहले से ही, तो हॉरिजेंटल लाइन में यूज करना है। जैसे ये मैंने थोड़ा सा कलर्स लगा के डिफाइन कर लिया कि कौन सा मेरा स्काई है कौन सा जो रिवर है मेरा पूरा, ये मैंने डिफाइन कर दिया। आपको चीज़ें यहाँ पे डार्क जो हॉरिजेंटल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा था उससे चीज़ें क्लियर होने लगी। अब हमें यहाँ पे जो मैंने ट्री पेंट किया था उसको पहले फिल करेंगे। डिस्टेंस की है तो उतना विजिबल नहीं होगा और ग्रीन कलर हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने बना रखा था पहले से ही उसको, इसके अकॉर्डिंग आप फ्लैट ब्रश लेंगे एंड ऐसे ऐसे डॉटेड 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 देंगे फ्री हैंड थोड़ा सा कि बैक में है। देन अगेन आप हल्का सा ब्लैक कलर यूज करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग कंपोजिशन या अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंडस्केप सीनरी आप सनसेट का यूज कर सकते हो, बना सकते हो क्रॉनिकल के लिए। देन अगेन इसी तरीके से आप डिस्टेंस की ट्री है तो थोड़ी सी छोटी आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको ऐसे ही करना है लाइक दिस, छोटी सी ट्री में बना रहा हूँ। देन दिस साइड भी डॉटेड डॉटेड आपको देना है फ्रीडम। देखो आर्ट क्या है ना, वो बिल्कुल इजीली होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कोई प्रेशर नहीं है इसमें, आप फ्री स्टाइल से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट प्रोपोर्शंस का बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें। कैसा शेड्स हम दे रहे हैं बिल्कुल फ्री होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, बट प्रोपोर्शंस जो है इसका जो डायग्राम है उन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। देन अगेन यहाँ पे वन नहीं करें क्योंकि पैरेलल होने लगेगा तो कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डाउट हो जाएगा आपको, क्लियर उतना अट्रैक्शन पॉइंट नहीं रहता है, तो इसलिए टू ट्री दिस साइड
एंड वन ट्री दिस साइड। अब यहाँ पे माउंटेन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एज यू विश आप, बट यहाँ पे अगर माउंटेन ड्रॉ करते हैं तो उतना क्लियर नहीं होगा, बहुत लाइट हम माउंटेन ड्रॉ करते हैं, माउंटेन का कलर ब्राउन कलर रखते हैं क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस में है, तो लाइक आप इस तरीके से रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वन साइड हल्का सा डार्क कर देते हैं, ट्री बिल्कुल पास में है नॉर्मली, को दिख रहा होगा, विजिबल तो होगा ही पेंट में। इस एरिया को हल्का सा डार्क कर देते हैं बिकॉज इसलिए क्योंकि ये लैंड के पास का है, तो थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। इसके बाद रिवर स्टार्ट है आपका, सेम साइड जैसे ये मैंने आपका ट्री बनाया, यहाँ पे टू ट्री और यहाँ पे वन, बिकॉज इसलिए कि ट्रू यहाँ कर सकते हैं बट दोनों पैरेलल होने लगेगा। अब डिस्टेंस में मैंने ये माउंटेन को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया वाइट कलर की, बहुत जो डिस्टेंस में है वो वाइट और हल्का सा जो पास में वो मेरे नियरेस्ट है वो हल्का सा डार्क कलर होगा क्योंकि उसकी कलर जो है लाइटली मुझे विजिबल दिख रही है। इस चीज़ों को मैंने इस तरीके से पेंट किया, ब्रश एंड राउंड ब्रश यूज़ किया एंड थोड़ा सा वाइट कलर दे रहा हूँ इसलिए कि वाइट है हल्का सा चीज़ को, इस तरीके से आप दे सकते हो हल्का सा शेड। देन अगेन अब हम क्या करें, ये हम बोर्ड पे वर्क कर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्राउन कलर से ट्री माउंटेन वगैरह ड्रॉ कर दिया, सन का ये रिफ्लेक्ट हो गया। देन अब हमें बोट पेंट करना है, बोट हमें थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करना है क्योंकि या तो रेड कलर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा या बट अब हम इसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। बहुत पास की है तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको बड़ी बनाएंगे। ये बोट होगी, हम इसको इस तरीके से, मैंने पहले ऑलरेडी ड्राइंग किया था जो आपने इसको देखा होगा, इस तरीके से हो गई। इस पर छोटा सा एक मैन बनाते हैं, को कैसे ड्रॉ करते हैं, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, देन एक फिगर हल्का सा स्क्वायर शेप का इन बैठा हुआ है ये, इस तरीके से कोई मैन हो गया, कोई भी ह्यूमन हो गया। देन इस साइड भी बना सकते हो आप जब अपना कुछ भी क्रिएटिव वर्क करोगे क्रॉनिकल के लिए, वो इस बेस पे आप लैंडस्केप भी कर सकते हो, कोई इसमें ह्यूमन फिगर भी ऐड कर सकते हो, नेचर रिलेटेड पेंट कर सकते हो। जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए बताया हूँ वो आपको बेसिकली पूरी तरीके से सनसेट सीन है। अब इसका बोट का शेडो देते हैं ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर से दे सकते हैं। ये देखिए मैंने शेडो कैसे दे रहा हूँ उसका, एंड एक बोट हम जो यहाँ पर बनाया था ऑलरेडी विजुअल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज करते हैं उसमें, क्योंकि बहुत डिस्टेंस में है तो वो लाइट होगी। इसका शेडो भी हम ब्राउन कलर से देंगे, थोड़ा सा रेड कलर यूज कर सकते हैं। अब सन को जो मैंने बनाया था उस चीज को भी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमें वाटर में देना है, तो यहां पर मैंने डार्क रेड कलर यूज किया। हल्का सा सेंटर में इसकी आउटलाइनिंग करते हैं नॉर्मली,
ऊपर वाले सन को थोड़ा सा डार्क कर दें। हल्का सा इसको स्मर्श कर देते हैं अगेन। अब वाइट कलर का पूरा वर्क है मेरा, वाइट कलर, ड्राई वाइट कलर लिया। आप इसको पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, पेंट शेडिंग कर सकते हो, एज यू विश। ड्राई कलर लिया, वाटर कलर, थिक कलर लेना है आपको वाटर रिफ्लेक्शन के लिए, लाइक दिस। एंड अब आपको बर्ड बनाना होगा, तो बर्ड का बेसिकली जो सिंबल होता है वो आपको एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सन में बस छोटा सा एक फाइनल टच मैं दे रहा हूँ उसके नीचे का पार्ट। ऑलमोस्ट ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई, लाइक दिस चिल्ड्रेन प्लीज सी। थैंक यू।